इंजीनियर्स दिशा उड़ीसा थी। तो आज आपके लाए हैं एक सोलर पैनल हम लोग किस प्रकार से आसानी से घर पे बना सकते हैं। मतलब सोलर पैनल को बहुत ही केमिकल वगैरह से यूज करके हम लोग इसको बना सकते हैं, लेकिन आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इजी से हम लोग एक सोलर पैनल बनाएंगे। एक एलईडी के जरिए हम लोग सोलर पैनल बनाएंगे और इसी सोलर पैनल को हम लोग बूस्ट करके वोल्टेज ज्यादा करके हम लोग आउटपुट पे कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से एक सोलर पैनल हम लोग घर पे आसानी से बना सकते हैं। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई JLC PCB। नया PCB के लिए गर्बल फाइल अपलोड कीजिए, थिकनेस, कलर, क्वांटिटी ये सब सेट करके सिर्फ $2 में ऑर्डर कीजिए कोई भी कलर PCB। अच्छे क्वालिटी PCB का भरोसा JLC PCB। और ऑर्डर देने के बाद 10 दिन के अंदर आपके पास पहुंच जाएगा आपका PCB। और JLC PCB से अभी 3D प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। सिर्फ STL फाइल अपलोड कीजिए और मटेरियल को सेट करके सिर्फ ऑर्डर कर दीजिए। JLC PCB से बेस्ट क्वालिटी का 3D प्रिंटिंग आपके घर पे आसानी से पहुंच जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें। तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो LED हम लोग यूज करते हैं, इस LED पे जब भी हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव इस पे डालते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव डाल रहा हूँ, तो देखिए ये ग्लो कर रहा है, तो आपको दिखाई दे रहा है। तो LED को हम लोग इस तरह ग्लो कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे जब भी इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ पे फोटोन होके निकलेगा, ठीक है, तो फोटोन होके रोशनी निकलेगा। तो इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, अगर हम लोगों को सोलर बनाना है तो इस LED से बना सकते हैं। तो उल्टा करने पर क्या होगा, यहाँ पे जब भी कोई अलग से फोटोन हम लोग डालेंगे वही फोटोन आके यहाँ से इलेक्ट्रॉन होके निकलेगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा कम निकलेगा इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम लोग बूस्टर से हम लोग बूस्ट कर लेंगे। तो अभी इसको हम लोग इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम लोग बनाते हैं, एक सर्किट बना के हम लोग सोलर पैनल बनाएंगे। देखा है किस प्रकार से एक LED पे यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, मतलब यहाँ पे जब भी रोशनी गिर रहा है तो इसमें से आउटपुट पे वोल्टेज आ रहा है। इसमें ज्यादा वोल्टेज नहीं आ रहा है, 2 वोल्ट से करीबन ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन करंट बहुत ही कम आ रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों को एक सोल्यूशन करना होगा, वो होगा इस पर बहुत सारे LED हम लोग यूज करेंगे। कुछ LED पैरेलल पे यूज होगा, कुछ LED सीरियल पे यूज होगा। तो हम लोग पहले जो सर्किट हमने बनाया है, LED को हम लोगों ने यहाँ पे पैरेलल पे यूज किया है, मतलब सभी पॉजिटिव एक साथ सभी नेगेटिव एक साथ हमने कनेक्शन कर दिया है। तो इसके जैसा बहुत सारे हम लोगों को जो सर्किट बनाना होगा, तो जैसे कि मैंने एक एक करके 3 सर्किट यहाँ पे बना दिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 सर्किट, तो 2 सर्किट को हम लोग क्या किया है, पैरेलल पे यूज किया है, इसको पैरेलल पे, इसको भी पैरेलल पे यूज किया है। तो मतलब यहाँ से करंट ज्यादा आएगा, और वोल्टेज को बढ़ाने के लिए हम लोगों को दोनों सर्किट को सीरियल लगाना होगा बैटरी की तरह, प्लस को माइनस पे और आउटपुट पे माइनस और प्लस इसमें से निकलेगा। तो इस तरह हम लोग लगाएंगे, तो इसमें से हम लोग करंट भी ज्यादा मिलेगा और वोल्टेज भी ज्यादा मिलेगा। और इसको और भी ज्यादा करने के लिए हम लोगों को एक बूस्टर सर्किट की चाहिए, तो बूस्टर सर्किट हम लोग बना के हम लोग इसको यूज करेंगे। तो अभी चलिए बूस्टर सर्किट को हम लोग पहले बनाते हैं।
तो अभी बूस्टर सर्किट हमने कंप्लीट कर दिया है, तो अभी इसमें से इनपुट पे हम लोग जो वोल्टेज डालेंगे आउटपुट पे ज्यादा आएगा। तो हम लोग जो एलईडी से हम लोग जो सोलर बनाया है सोलर पैनल, उसका कनेक्शन हम लोग इनपुट पे डालेंगे और आउटपुट पे ज्यादा वोल्टेज मिलेगा। तो चलिए अभी हम लोग इनपुट और आउटपुट कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना वोल्टेज आउटपुट दे रहे हैं, सब कुछ आपको दिखाते हैं, इसको टेस्ट करके हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने सर्किट को कंप्लीट कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आप एलईडी देख रहे हैं, मैंने कुछ एलईडी लगाया है, आप जितना ज्यादा एलईडी लगाएंगे उतना अच्छे से काम करेगा। यहाँ पे एक बूस्टर लगाया है जो कि वोल्टेज को बढ़ा के दे देगा। तो एक कीपैड मोबाइल को हम लोग चार्ज करेंगे इस एलईडी के जरिए। तो अगर आप स्मार्टफोन यूज करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि स्मार्टफोन पे ज्यादा करंट लगता है, तो ये कम करंट से होगा, इसलिए मैं ये कीपैड मोबाइल यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे एक 100 वाट का बल्ब लगाया है, एक लेंस लगाया है। लेंस क्यों लगाया है, जो कि बल्ब से जो रोशनी आएगा वो रोशनी यहाँ पे जो एलईडी है एलईडी पे गिरेगा, मतलब यहाँ पे मैंने एलईडी से एक सोलर बनाया है, तो सोलर पे गिरेगा तो वोल्टेज को मतलब जो लाइट को ज़्यादा कर देगा इसमें, ठीक है, करने से ये चार्ज होगा। आप अगर इसमें एलईडी ज़्यादा लगाएंगे तो लेंस की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप चार्ज कर सकते हैं सूरज की रोशनी से। तो मैं आपको अभी इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ, लाइट को अभी चलाता हूँ मैं, तो लाइट अभी ग्लो कर रहा है, तो बूस्टर पे अभी वोल्टेज आ गया है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब भी मैं इस पे लाइन को लगा रहा हूँ तो ये चार्ज होगा सर, तो देखा आपने, ये चार्ज हो रहा है, तो ये चार्ज हो रहा है, अगर यहाँ पे लगाएंगे तो चार्ज नहीं होगा, तो देखा आपने यहाँ पे चार्ज नहीं हो रहा है, यहाँ पे लगाएंगे तो चार्ज होगा, तो यहाँ पे चार्ज हो रहा है, क्योंकि ये बूस्टर से हमने वोल्टेज को बढ़ा दिया है। तो इस तरह से हम लोग चार्ज कर सकते हैं या फिर वोल्टेज आउटपुट कर सकते हैं, एक सोलर पैनल बना सकते हैं एलईडी से। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से एक सोलर पैनल हम लोग घर पे बना सकते हैं, वो भी एलईडी के जरिए। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतने, थैंक यू दोस्तों, बाय।